वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो थी उस पे कमेंट आए थे कि दी हमें मैट लिपस्टिक लगाना नहीं आता, हम उसे कैसे लगाएं। तो मैट लिपस्टिक लगाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इजी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से वो मैट लिपस्टिक यूज करनी है। उससे क्या होता है कि आपके लिप्स यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, ये परेशानी होती है। और बाय चांस कोई अगर ठीक से लगा भी ले तो अपने होठों को हाईलाइट नहीं कर पाता, मतलब लगा ली लेकिन वो लुक नहीं आ पाता जो सामने वाले को देख के लगता है भाई इसकी परफेक्ट है, वो वाला लुक नहीं आता। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना होता है। तो वही चीज़ है, सिर्फ दो चीज़ स्टेप फॉलो करने हैं। एक हमें एक फाउंडेशन चाहिए, एक हमें मैट लिपस्टिक चाहिए, और थर्ड है हाइलाइटर, वो भी हमें चाहिए। वो अगर आप चाहें तो चाहिए, नहीं अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे आप हटा सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ तो ज़रूर चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक को यूज़ करें तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है हमारा लिप बाम, वो लगा लें। उसके बाद अपने लिक्विड लिपस्टिक को निकालें और उस पर जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है उसे सारा इस तरीके से निकाल लें, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसी लिपस्टिक का यूज़ करें तो आपको जो आपके ऊपर वाला लिप्स होता है उसमें ऐसे आपको क्रॉस बना लेना है, और उसके साइड से आपको लाइनर की तरह ही से यूज़ करना है। अगर आप लाइनर की तरह ही से लगा लोगे फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकलने का कोई भी डर नहीं रहेगा, और अच्छे से आप उसे आराम से उसे फिल कर लोगे। तो मैंने पहले इसे ऐसे लाइनर की तरह ही लगाया है और अब मैं इसे अच्छे से फिल कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि आप अपनी लिपस्टिक को जो है लाइनर की तरह पहले लगाएं फिर उसे अंदर से अच्छे से फिल कर लें। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है ये कि आपको एक फाउंडेशन लेना है और उसे इस तरीके से, आपको कोई भी फाउंडेशन लेना है और अपने लिप्स के चारों तरफ लगा लेना है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उससे क्या होगा, जब आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लोगे ना तो आपके लिप्स बहुत जल्दी हाईलाइट होकर निकलेंगे और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। तो आप इसे अपने फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप लोगों ने देख लिया कितना इजी है रेड कलर की मैट लिपस्टिक लगाना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कि हमारे लिप्स पे लग तो जाते हैं लेकिन यहाँ वाला एरिया बहुत बार डर डर लगने लगता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी फाउंडेशन हो, मैं कभी ये नहीं बोलती ये वाला फाउंडेशन, ये वाला फाउंडेशन, जो भी आपको अच्छा लगे। एक और टिप है, अगर आप मतलब अपने होठों को हाईलाइट करना चाहते हो तो कोई हाईलाइटर लीजिए, एक ब्रश लीजिए, इस तरह का सा हल्का सा हाइलाइटर लेके ये कर लीजिए, आपके लिप्स बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो की ना तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दी ये ट्रिक कैसी है, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब भी हम, एक तो मैट लिपस्टिक हमसे आसानी से लगती नहीं है और दूसरा लग जाती है तो फिर वो मतलब मैसी मैसी सा हो जाता है एरिया और बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब लगने लगता है। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई उसका मेकअप बहुत अच्छा है, उसके लिपस्टिक बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है उसके ऊपर, मेरे ऊपर ये पता नहीं कैसी लग रही है, वो चीज़ें आपकी सोल्व हो जाएंगी। तो कोशिश करना कि आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर सकें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपने फॉलो किया है तो आपको ये चीज़ें कैसी लगी। ठीक है, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको थोड़ा भी ये अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करना बिल्कुल फ्री है यार, उसे क्या होता है हम थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं बस इसीलिए। बाय बाय, देखो मेरे यहाँ कहाँ लग गई। बाय बाय। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।